हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। और इस बार भी 99% चांस है कि इन 30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में हमें हिंदी में कम से कम 100 में, ठीक है, 100 में हमें 95% प्लस लेकर आना है, क्योंकि अब की बार हमें हिंदी में टॉपर बनना है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 95 ही नहीं, 96, 97, 98 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो रिपीटेड होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड नहीं होता। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पढ़ने होंगे, तो उसी को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। क्लास 12 हिंदी के 30 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके ही जाना है, ठीक है। आप लोग जब भी तैयारी करें तो ऐसी तैयारी करें जैसे लगे कल मेरा बोर्ड एग्जाम है। आप लोग तैयारी करने बैठिए तो अपने दिमाग में ये सोचिए जैसे कल मेरा बोर्ड एग्जाम है, आज मुझे इतनी तैयारी करनी है। अगर इस तरह से तैयारी करना आपने स्टार्ट कर दिया, यकीन मानिए आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, संसार का कोई भी आदमी तुम्हें नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस तरह से तैयारी कीजिए जैसे आपका एग्जाम 10 दिन बचा है, ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए, तभी आप तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट करें, घूमें टहलें इधर उधर, ठीक है, ये सब करने का आप समय नहीं है। तो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सबको आपको नोट करते हुए चलना है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, बताइए ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन ऊपर दे दिया गया, इसके चार ऑप्शन रहेंगे, सही आंसर आपको देना होगा, इसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है, बताइए इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। का है प्रदक्षिणा, खा है दान लीला, गा है रस कलश, घा है अतिमा, ठीक है। तो जो प्रदक्षिणा है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर का राइट होगा। ऐसे ही जो सही आंसर है उसको आपको चूज करके अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हिंदी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं इसमें कोई क्लियर नहीं होता कि हाँ यही प्रश्न आएगा, ये जीवन परिचय नहीं है, ना ही ये कहानी है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी रचना नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो का है पल्लव, खा है स्वर्ण धूलि, गा है ग्रंथी, और घा है रसवंती। तो देखिए जो रसवंती रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है, बाकी जो तीनों रचनाएं हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की ही रचना है। कौन कौन सी, पल्लव, स्वर्ण धूलि, ग्रंथी, ठीक है, ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, लेकिन जो हमारा रसवंती है ये उनकी रचना नहीं है, ठीक है, नोट कर लिया दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की है, ठीक है, ये आपको बताना है। का है रस कलश, खा है युगांतर, गा है ग्राम्या, घा है कार। तो देखिए रस कलश जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, और जितने भी स्टूडेंट हमारे 12th में हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के पवन दूतिका चैप्टर को पढ़े होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जीवन परिचय को पढ़े होंगे, तो जब भी आप उनका साहित्यिक परिचय पढ़ें उनकी रचनाओं को भी पढ़ लिया करें, क्योंकि ये रचनाएं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप हिंदी में टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझा कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसको ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृत के नायक मनु है, वह कृति है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों में से, उनकी रचनाओं में से एक ऐसी कृति है जिसके नायक जो है वो मनु है, बताइए कौन सी रचना है। का है प्रेम पथिक, खा है झरना, गा है कामायनी, घा है कानन कुसुम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा राइट होगा, कामायनी। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी रचना है इसमें जो नायक है वो मनु जी हैं, ठीक है, तो ये आपका गा वाला ऑप्शन
राइट होगा। तो ऐसे ही सही ऑप्शन चूज करके आपको लिखना है। मैं स्लो स्लो बता रहा हूं ताकि अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है, क्योंकि जब भी पढ़िए आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि माइंड आपका उसको कैप्चर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है, बताइए इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का है मेघनाथ वध, खा है यशोधरा, गा है प्रदक्षिणा और घा है सिद्धराज। तो आपसे पूछा रहा है कौन मैथिली शरण गुप्त जी की अनुदित रचना है, अनुदित रचना पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, मेघनाथ वध, ठीक है। मेघनाथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की एक अनुदित रचना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होना है, पानी वानी लेकर बैठा कीजिए, अगर अब आप सो गए तो जाग नहीं पाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा है, ठीक है। तो ध्यान से समझा कीजिए जो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे बताता हूं ताकि बच्चों को आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कवि हरिओध का रस है, यानी कि जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं उनका रस कौन सा है। जैसे रस कई प्रकार के होते हैं, करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति और गंभीर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, करुण रस। देखिए जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का रस है वो करुण रस है, ज्यादातर उनकी रचनाओं में करुण रस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे पवन दूतिका में हमने देखा राधा जी श्री कृष्ण जी के विरह में पागल हो रही थी, ठीक है, तो वैसे ही करुण रस हमें देखने को इनकी रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देखिए चित्राधार काव्य की भाषा है, यानी कि जो चित्राधार रचना है इस ये किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है, किस भाषा में इसको रचित किया गया है। का है उधी, खा है ब्रज, गा है कन्नौजी, घा है भोजपुरी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज। देखिए जो चित्राधार है ये ब्रज भाषा की रचना है, यानी कि इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल सा है। तो इन सब चीजों को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोग अच्छा मार्क लाएंगे। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, यानी कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो किस रचना से वो समाजवाद के प्रति उन्मुख हुए, यानी कि उनकी समाजवादी प्रकृति जागी किस रचना से। का है ग्राम्या में, खा है स्वर्ण भूमि में, गा है चिदंबरा में और घा है ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ग्राम्या में, ठीक है। कवि पंत जी जो हैं ये समाजवाद की ओर उन्मुख हुए अपनी ग्राम्या रचना में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा। आप लोग जहां तक हो सके पहले वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, उसके बाद उसको नोट कर दिया कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने बताया था आप हमारा एप्लीकेशन शुभम लेक्चरर, जाइए प्ले स्टोर पर शुभम लेक्चरर लिखिए, हमारा ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगा, वहां से मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आया। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या नोट्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इसको समझिए। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बताइए किस वर्ष में दिनकर जी को, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन सा सन है। तो देखिए का है वर्ष 1970 में, खा है वर्ष 1971 में, गा है वर्ष 1972 में और घा है वर्ष 1974 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वर्ष 1972 में दिनकर जी को, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 10 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, बताइए इनमें से कौन है जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है जायसी, खा है सूरदास, गा है मंझन, घा है कुतुबन। तो देखिए जो सूरदास जी हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ठीक है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, जो कुछ भी समझे आपको फुल अटेंशन इस पर आपका होना चाहिए, पैशंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप चीजों को आसान कर पाएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो अज्ञेय जी की नहीं है। का है बावरा अटेरी, खा है सुनहले सहवाल, गा है इत्यलम,
ठीक है, और घा है रेणुका। तो देखिए रेणुका जो है ये इनकी रचना नहीं है, सच्चिदानंद वास्यानंद हीरानंद अज्ञेय जी की रचना जो है वो रेणुका नहीं है, बाकी वो तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। ठीक है, आप लोग आपके चैप्टर में है, 12th वालों के चैप्टर में है अशोक के फूल चैप्टर, ठीक है, उसके जो लेखक है वो कौन है, जयशंकर, सॉरी अज्ञेय जी, ठीक है। तो उनके रचनाओं को पढ़िए, उनके जीवन परिचय को पढ़िए, आपको डबल बेनिफिट वहां पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर हमारा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी कि इनमें से कौन सी ग्रंथ है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, का देखिए कार है, खा है धूप के धान, गा है काला जई और घा है चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का कार। कार जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर का राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग नोट करते रहिए चीजों को, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं, उनको भी जाकर आप लोग पढ़िए, क्योंकि उनके बिना काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, इन केवल 30 क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 30 क्वेश्चन में हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़िए। आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है, आपका ब्रेन जो है उसको कैप्चर करना चाहिए हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे अभी क्वेश्चन आएगा उसको तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसका देखिए आंगन के पार द्वार रचना है, यानी कि आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है, सभी को पता है, मैंने कहा आप जीवन परिचय पढ़िए तभी समझ में आएगा। कहा है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है अज्ञेय की, घा है सुमित्रा नंदन पंत की। तो देखिए आंगन के पार द्वार जो है ये अज्ञेय जी की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये जो रचना है आंगन के पार द्वार ये इन्हीं की रचना है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चारण काल नाम दिया, यानी कि हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था। तो का है राहुल सांकृत्यायन ने, खा है रामचंद्र शुक्ल ने, गा है रामकुमार वर्मा ने, घा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। ठीक है, तो 14 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे समझिए चीजों को, सीखना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सभी को बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करके, कमेंट करते रहें जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लोग उसका आंसर कमेंट करते रहें ताकि मुझे लगे हाँ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लहर के रचनाकार हैं कौन है, का है जयशंकर प्रसाद, खा है गिरिजा कुमार माथुर, गा है हरिवंश राय बच्चन, घा है सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए आंसू लहर झरना इन सबके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, जो लहर है आंसू है झरना है इन सबके रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में नई कविता के कवि हैं, बताइए इनमें से नई कविता के कवि कौन हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, बताइए आप लोग 16 का आंसर कौन सा सही होगा। का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, घा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं ये नई कविता के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर घा राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नोट करिए आप लोग जल्दी से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए मैं थोड़ा अगर स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो भी कोई बात नहीं है, आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए का है आदिकाल, सॉरी हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, बताइए हिंदी साहित्य के किस काल को हम पूर्व मध्य काल कहते हैं। ठीक है, तो का है आदिकाल, खा है भक्तिकाल, गा है रीतकाल और घा है आधुनिक काल। तो देखिए जो भक्तिकाल है इसको हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ठीक है, 17 का खा वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की है। का है वैदेही वनवास, खा है यशोधरा, गा है लहर, घा है गुंजन। तो इसका राइट आंसर होगा वैदेही वनवास। देखिए वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जी की रचना है, दैट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रचना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रीत मुक्त कवि हैं, बताइए इनमें से कौन से कवि रीत मुक्त कवि हैं। ठीक है,
का है बिहारी, खा है भूषण, गा है केशव, घा है घनानंद। देखिए जो घनानंद है ये रीत मुक्त कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर घा आपका राइट होगा। दैट्स अ सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। तो देखिए का है सिद्धराज, खा है इत्यलम, गा है अनघ और घा है प्रदक्षिणा। ठीक है, तो देखिए जो इत्यलम है ये इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 नंबर, इसको समझिए। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्यकृत उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को जो उनकी रचना उर्वशी है उस पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। का है साहित्य अकादमी पुरस्कार, खा है भारत भारती पुरस्कार, गा है ज्ञानपीठ पुरस्कार और घा है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी काव्यकृत उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 22। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस सप्तक में संग्रहित है, बताइए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो है इन्होंने किस सप्तक में अपना योगदान दी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है सबसे इंपॉर्टेंट, का है तार सप्तक में, खा है दूसरा सप्तक में, गा है तीसरा सप्तक में, घा है चौथा सप्तक में। तो देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने तार सप्तक में अपना योगदान दिया, यानी कि तार सप्तक में वे संग्रहित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं कौन है, बताइए। सभी लोगों को पता है विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, तो ऑप्शन नंबर का राइट होगा। दो जो चीजें आपको पता है तुरंत उस पर टिक कर दीजिए, डाउट में नहीं रहने का, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24। कामायनी किस युग की रचना है, तो सिंपल सा है, कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, कौन है बताइए, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हो। जयशंकर प्रसाद जी किस युग के रचनाकार हैं, तो वो है छायावादी युग के, तो ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के रचनाकार हैं, तो वो है छायावादी युग के। ठीक है, दैट्स अ सिंपल आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं, बताइए इनमें से कौन से कवि हैं जो छायावादोत्तर काल के हैं। का है भारतेंदु हरिश्चंद, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है राम नरेश त्रिपाठी, घा है मंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी जो हैं घा वाला ऑप्शन राइट होगा, ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं, तो 25 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर दीजिएगा एक एक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो देखिए मैंने बताया था रीति काल को, ऑप्शन नंबर ग वैसे ही राइट होगा। स्वर्ण युग किसको कहते हैं, भक्ति काल को, और श्रृंगार काल के नाम से किसको जानते हैं हम, रीति काल को, तो ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, रीति काल की प्रमुख विशेषता है, यानी कि रीति काल का प्रमुख विशेषता क्या है उसका। ठीक है, का है प्रकृति चित्रण, खा है ईश्वर वंदना, गा है युद्धों का सजीव वर्णन और घा है मुक्तक काव्य रचना। ठीक है, तो 27 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा, मुक्तक काव्य रचना। देखिए रीतिकाल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है मुक्तक काव्य रचना, यानी कि इसमें मुक्तक काव्य रचनाओं को किया गया। ठीक है, ज्यादातर तो घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 28 देखिए, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, बताइए कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। का है ओंकार, खा है रश्मि रथी, गा है चित्राधार, घा है रेणुका। तो चित्राधार जो है ये इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर ग आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर देखिए क्या है, यामा रचना है, यामा किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, जल्दी बताइए आप लोग, यामा यामा किसकी रचना है। का है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है गे की, घा है सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खा महादेवी वर्मा जी की। यामा जो है यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है, इनमें से कौन से कवि है जो प्रेमाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है। का है जायसी, खा है मंझन, गा है नंददास और घा है कुतबन। तो इसका राइट
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का नंददास। नंददास जी जो है ये प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमारा 12th हिंदी का 30 क्वेश्चन जो था वो फिनिश होता है। यही 30 क्वेश्चन मुझे आपको बताना था जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको इन 30 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन पहले से पता रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे और कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।